वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, थार का द्वार, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध हम आ चुके हैं जोधपुर। जोधपुर की स्थापना राठौड़ वंश के राव जोधा जी ने, जो पीछे किला दिख रहा है वो मेहरानगढ़ का किला है, वहाँ पर की थी सन 1459 में। और पहले जो मारवाड़ था, मारवाड़ यहीं से फैलना शुरू हुआ और जोधपुर मारवाड़ की राजधानी है। तो जब राव जोधा जी ने जोधपुर की स्थापना की थी तो केवल वो किले के अंदर था और जोधपुर बाहर नहीं था। तो उस समय से राव जोधा जी का खालसा कहा जाता था। और जब धीरे धीरे ये किले से बाहर निकल करके आया और बाहर नया नगर बना तो इसे जोधाना और अब जोधपुर कहा जाने लगा है। और इस समय मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ इस समय सरदार मार्केट में घंटाघर पे। यूँ तो यहाँ की इमारतें, भवन, महल, कई सारी चीज़ें छीतर पत्थर या लाल पत्थर की बनी हुई है, लेकिन फिर भी घरों के ऊपर जो नीला रंग है वो उन दोनों का मिश्रण जोधपुर को एक अलग ही लुक देता है। इसी के साथ अब अपन शुरू करते हैं जोधपुर का भ्रमण, चलो मेरे साथ। राजस्थानी थिंग्स के लिए बहुत फेमस है, जहाँ से हमारे गाँव के अंदर जैसे पुरानी रिसाइकल साड़ीज होती हैं जो पुरानी, उनको क्या है कि दो साड़ी लेकर उसको हैंड स्टिच किया जाता है। जैसे इसमें दो फैब्रिक लिए हुए हैं और ये हैंड स्टिच किया हुआ है। इनको जो गांव में लेडीज हैं वो बनाती हैं पैचवर्क, तो वो हमको सेल करती हैं। ये सब रिसाइकल है, ये मोस्टली क्या है जैसे सलवार सूट के टुकड़े हैं। जहाँ पर मैं हूँ वो है सरदार मार्केट। यहाँ पे आपको लगभग हर चीज़ मिल जाएगी, हर तरह की यहाँ दुकानें हैं, सब्जियाँ, मसाले, आर्ट एंड क्राफ्ट और ख़रीदने के लिए कपड़े, जूते, सब तरह की दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी। घंटा घर हाथ से बनती है, इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है, दोनों तरफ से पहन सकते हो। और सरदार मार्केट के गेट के अंदर ही यहाँ पर है श्री मिश्री लाल होटल, जहाँ पे आप खा सकते हो यहाँ के खास तरह के स्ट्रीट फूड्स। और ये हैं जोधपुर की कुछ खास चीज़ें, मावा कचौरी, गुलाब जामुन, मिर्ची बड़ा और माखनी लस्सी। इतिहास, जैसे महिला बाग तो वो महिलाओं के लिए नहाने और वस्त्र धोने का स्थान है, गुलाब सागर है तो वो गुलाब जी ने बनवाया है, सरदार मार्केट है तो महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया है, और जैसे ये है तुवर जी का झाल, महाराजा अभय सिंह जी की महारानी तूर जी ने इसे बनवाया था महिलाओं के लिए एक जलाशय। जब कायलाना लेक जैसे अन्य जलस्थल सूख जाते थे तो महिलाएँ यहाँ पर पानी भरने के लिए आती थी। Thank you.
में बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो जैसलमेर में आप देखेंगे तो हल्का पीला रंग है और यहाँ पे हल्का नीला रंग है। इससे होता यह है जब सूरज की किरणें इन पर गिरती है तो वो अवशोषित नहीं होती है और शहर में ठंडक बनी रहती है, इसलिए घरों को हल्के नीले रंगों से रंगा गया है और जैसा भी रंगा है बहुत सुंदर रंगा है। हम आ पहुंचे हैं मेहरानगढ़ और ये है मेहरानगढ़ का प्रवेश द्वार। असल में मेहरानगढ़ ही जोधपुर था एक समय पर, जिसे उस समय राव जोधा जी का फालसा कहा जाता था और फिर जैसे ये शहर बाहर फैलने लगा इसे जोधाड़ा कहा जाने लगा और फिर 1933 के समय पर इसका नाम जोधपुर रख दिया गया। सीधी खड़ी दीवारों वाला ये महल, इसके द्वार मेहराबदार हैं। मेहराबदार यानी कि जो घुमाव देख रहे हैं आप, जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं उसे मेहराबदार कहते हैं और झरोखों के ऊपर सुंदर नक्काशी की गई है। नक्काशी यानी कि बहुत बारीकी से खोद करके फूल पत्ते मोर हाथी हिरण ये सब बनाना, और वो बहुत बारीक कला होती है। इसकी मजबूती मिसाल इसकी दीवार देती है जहाँ पर तोप की गोलों के निशान हैं। जब जयपुर के राजा मान सिंह ने यहाँ चढ़ाई करने की कोशिश की थी तो वह विफल रहे थे, और आशा है कि मैं जोधपुर का आपको अच्छा अनुभव करवा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे। जोधपुर स्थापत्य कला का धनी तो है ही सही, उसी के साथ इसे लोक गीतकारों और संगीतकारों का सौभाग्य भी प्राप्त है। उन्हीं में से एक गीतकार जो मेहरानगढ़ के द्वार पर बैठते हैं, जब मैंने उन्हें सुना तो ऐसा लगा कि मानो उनका संबंध सीधा भगवान से हो। और जब उन्हें पता लगा कि मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डालने वाला हूँ तो उन्होंने अपने भोले मन से मुझसे कहा कि वे गीत गाएंगे और हो सके तो मैं ये गीत उनके राजा इस गढ़ के मालिक तक पहुँचा दूँगा। ये है जसवंत थड़ा। महाराजा सरदार सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में जोधपुर के नायक जसवंत जी के लिए ये बनवाया था। जसवंत सिंह जी ने कई योगदान दिए जोधपुर में, जैसे रेलवे सेवा का निर्माण करवाना, मारवाड़ की अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण करना, अपराधों को जड़ से उखाड़ फेंकना। जसवंत थड़ा जसवंत जी की स्मृति है, और साथ ही ये मेरे बगल में जो दिखाई दे रही छतरियाँ
ये अन्य राजा जो यहाँ हुए थे उनकी स्मृतियाँ। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा। ये एक खूबसूरत जगह है कायलाना लेक। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में आ सकते हैं, शाम बिता सकते हैं। अगर जोधपुर के मैप को देखोगे तो एक तरफ जहाँ यहाँ पर बहुत ही सकड़ी सी गलियाँ हैं और घर बसे हुए हैं उन गलियों में, तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही आप मार्केट की तरफ आते हो तो सीधे सपाट रोड हैं। और क्या कहें जोधपुर के बारे में, यहाँ पर पहला ऑनलाइन न्यायालय निकला देश का, पहला डाकघर बना राजस्थान का, और राजस्थान का हाई कोर्ट तो जोधपुर में है ही सही। आ चुके हैं मंडोर गार्डन, जोधपुर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर मंडोर गार्डन, इसे पहले मांडव्यपुर भी कहा जाता था। ये रावण का ससुराल है। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंडोदरी। असल में मंडोर ही पहले मारवाड़ की राजधानी थी और मंडोर गार्डन के साथ में मंडोर का किला भी जुड़ा हुआ है। इस किले का काफ़ी निर्माण करवाने की कोशिश की लेकिन ये खंडित होता रहा और राव जोधा को लगा कि शायद ये उतना मजबूत और सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ से राजधानी को शिफ्ट करके मेहरानगढ़ का किला बनवाया। तब जाकर के मारवाड़ की राजधानी उधर जोधपुर शिफ्ट हुई। काफ़ी लंबे समय तक मंडोर मारवाड़ के शासकों की शमशान भूमि रहा है, पर एक समय ऐसा भी रहा है जब मंडोर गार्डन एशिया का सबसे नंबर वन गार्डन की श्रेणी में आ चुका है। मैं खुद यही सोच करके आया था कि शायद कोई छोटा मोटा गार्डन होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। बहुत सुंदर जगह है। मंडोर के रेलवे स्टेशन के पास में ही एक मंडप बना हुआ है। ये वही मंडप है जहाँ पर रावण ने मंदोत्री के साथ में विवाह रचाया था। ये था मंडोर गार्डन। ये है महामंदिर। मुझे लगा था ये कोई टूरिस्ट प्लेस होगा, लेकिन ये एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। पूरे राजस्थान में जो फेमस है जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन सिंस 1989। जोधपुर आने के कई सारे तरीके हैं क्योंकि यहाँ पर हवाई अड्डा है, रेल चलती है, जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। तो हमने काफ़ी सारी जगह देखी जोधपुर में और काफ़ी सारी नहीं भी देखी, जैसे कि मथानिया। मथानिया वो जगह है जहाँ पर आज से 20 साल पहले सुर्ख लाल मिर्च की खेती हुआ करती थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में मिर्चियाँ सूख रही है। जो खेत वहाँ भी हरे दिखते हैं वो कभी लाल लाल दिखाई दिया करते थे। लोगों का कहना है कि ज़मीन में वो ताकत नहीं रही है, जितना उसे उगाने में लागत जाती है उतना उससे मुनाफा नहीं हो पाता है। उसी के पास में एक गांव है ओसिया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। एक अन्य शुष्क गाँव फलोदी, जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर खेजड़ली गाँव। खेजड़ली ये वही गाँव है जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था। 1730 के समय की बात है। अभय सिंह जी, जिनकी वाइफ तूर जी, जिन्होंने झालरा बनवाया था, वही अभय सिंह जी के सेनापति जी से उन्होंने कहा कि ईंधन की आवश्यकता हो रही है। तो सेनापति गिरधर जी ने खेजड़ली गांव के सभी वृक्षों को काटने का आदेश दिया ताकि वहां से ईंधन की आपूर्ति हो सके। और उस समय अमृता देवी वो पहली महिला थी जो एक पेड़ से जाकर के चिपक गई और ये आंदोलन में बदल गया। 343 लोग पेड़ों से जाके चिपके थे जिन्हें गिरधर जी के आदेश पर सीधा काट दिया गया। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी और भी जगह हैं जोधपुर में।
और शाम होने लगी है, सनसेट होने वाला है और मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। तो साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है। और मेरे बारे में और जानने के लिए और अपडेट्स पाते रहने के लिए जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम से। धन्यवाद।